प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। एनआईसी में योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लाभार्थियों से रूबरू हुए और योजना में मिले आवासों के संबंध में बात की। उन्होंने लाभार्थियों से जानकारी ली कि मकान के लिए किसी ने कोई धन तो नहीं दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, डूडा के परियोजना निदेशक सहित आवास पाने वाले लाभार्थी भी मौजूद रहे। 50,000 की है सर। तो इस क्रम में सर, अगर आप किसी से बात करना चाहें किसी जिले में सर, तो उस हिसाब से हम लोग उनको बुला सकते हैं। जैसा आपने किया, जी सर, इनके पास आवास नहीं था। जी सर, आवास तो आपके पास भी नहीं है। हमारे मौजूद है सर आगरा एनआईसी में, और मैं सीधे साहब से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के लाभार्थी आगरा करिए। नमस्कार सर, हाँ आगरा में लाभार्थी आए हैं। हाँ सभी लोग हैं सर, यहाँ 10 लाभार्थी हैं, सभी लोग बैठे हुए बताइए। आपका आवास प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए चयन हुआ है, मालूम है आपको? आपको इस योजना के अंतर्गत सरकार कोई भी आपसे पैसा मांगेगा तो किसी को पैसा मत देना, उसकी कंप्लेंट करके जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे या नगर आयुक्त को अवगत कराएंगे। जी सर, आपके पास आवास नहीं था? नहीं था। आवास आपको स्वीकृत हुआ है? आपका एक आवास स्वीकृत हुआ है, 2,50,000 रुपए आपके लिए स्वीकृत हुए मैसेज आ गया आपको ना? जी जी आ गया सर। 50,000 की पहली किस्त आपके अकाउंट में चली गई, ठीक है? जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ आजमगढ़ दूसरा किस्त कितने का है? आजमगढ़ नमस्कार सर, नाम आजमगढ़ हमारे यहाँ सर 10,00,000 करने के बाद आप लोग सारे पूछेंगे धन्यवाद तो बोलो यार, धन्यवाद बता किसी को पैसा नहीं देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भिजवाया आप लोग। आपने गीता देवी, तो आपका आवाज स्वीकृत हुआ है।